ये मूवी इंडिया में बनी है। हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो प्रभास की अपकमिंग मूवी कल की 2898 AD का ट्रेलर आ चुका है एंड आज हम करने वाले हैं उसका ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि काशी दुनिया का पहला शहर था और यही दुनिया का आखिरी शहर भी है। अब क्योंकि ये मूवी भी एक डिस्टोपियन एरा पर सेट है तो ये बात सेंस भी बनाती है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये मूवी गणपत से इंस्पायर्ड है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। खैर, वापस ट्रेलर पर आए तो इस ट्रेलर की सबसे फिनोमिनल चीज जो मुझे लगी है वो इसके विजुअल्स। और ये बात बोलने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि इसे तुम एक अच्छी खासी हॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वेल इस मूवी का VFX D-Nag वालों ने किया है जिन्होंने हैरी पॉटर और एलिटा द बैटल एंजल जैसी मूवीज पर काम किया है। सो VFX में तो कोई कमी नहीं होने वाली। वैसे कमी तो पैसों में भी नहीं होने वाली क्योंकि इस मूवी का बजट 600 करोड़ है। हाँ, वो बात अलग है कि आदिपुरुष जैसी मूवी 600 करोड़ फूंक कर भी कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। वैसे वो भी प्रभास की मूवी थी ना। हाँ, सो इस मूवी से प्रभास अपनी खोई हुई इज्जत भी कमा लेंगे। आगे ट्रेलर में हमें दीपिका का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिनका नाम सम 80 है, इक्वल्स टू सुमति, जो कि भविष्य पुराण के मुताबिक कल्कि अवतार की माँ होने वाली है। साथ ही ये प्रेग्नेंट भी है और कोई इनसे कहता है कि तुम्हारी कोक में असल में एक भगवान है। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है जो कि इस मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, मैं सिमिलैरिटीज देख सकता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो भाई, लेकिन मैं ये जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस मूवी में ये कोई आम बूढ़े बाबा नहीं है। ही इज लाइक मास्टर रोशि, क्योंकि इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बाकी है। एंड ही इज सो पावरफुल। वेल, आफ्टर ऑल ही इज अश्वत्थामा विद अ माइंड स्टोन। आगे हमें कुछ शॉट्स कॉम्प्लेक्स के भी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि नीचे धरती पर बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि सारा पानी तो इन हरामजादों ने चुरा लिया है। आगे हमें दिशा भी दिखती है जो कि प्रभास की गर्लफ्रेंड होने वाली इस मूवी में, और वो उनसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है, जिस पर प्रभास कहते हैं कि इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। अग्रीड सर, टोटली अग्रीड। सो यहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर थोड़ा सेल्फिश टाइप का है। इसे कॉम्प्लेक्स जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए जो कि इसके पास है नहीं, इसलिए ये बाउंटी हंटिंग करता है। और वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स वालों को दीपिका का बच्चा चाहिए फॉर सम रीजन, इसलिए वो लोग इस पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगा देते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए प्रभास का कैरेक्टर भैरवा पहुंचेगा और फिर इसके और अश्वत्थामा के बीच होगी एक ऑसम फाइट। खैर, तो ट्रेलर के एक सीन में हमें कॉम्प्लेक्स की आर्मी के लोग दिखते हैं जो हील हाइड्रा कर रहे हैं। ओके, मजाक था। ये लोग बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान है और वो है कमल हासन का कैरेक्टर लॉर्ड यास्किन, जिसका मतलब है इस एरा में लोग भगवान पर यकीन करना छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तरफ हमें एक शॉट में शंबाला की सिटी दिखाई जाती है जो कि आई थिंक अभी भी भगवान पर बिलीव करते हैं, और इसीलिए कली की आर्मी इन पर अटैक कर देती है। और ये सीन मुझे थोड़ा वकांडा वाली वाइब दे रहा है। वेल देन, लास्ट सीन में हमें कमल हासन की झलक दिखाई जाती है जो कि पैल्पटीन जैसे दिख रहे हैं फॉर सम रीजन। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं। सो अब अगर मैं इस पूरे ट्रेलर को समराइज करूं तो मुझे इस ट्रेलर का म्यूजिक अच्छा लगा, एक्टिंग अच्छी लग रही है, एक्शन तो ऑसम है और स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। नाउ तुम इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। सो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोहित, आदि पुरुष क्या देख रहा है भाई?